पूरे देश का प्रशासन इस वक्त कोरोना से लोगों को बचाने में लगी है। यूपी में भी हालत खराब है। सरकार, प्रशासन सभी कोरोना को कैसे रोकें इसके लिए काम कर रही है, लेकिन यूपी प्रशासन को कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने की जिम्मेदारी भी। ऐसा ही मामला प्रयागराज से आया है, जहां यूपी के पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद गैंग के करीबी रहे नगी अहमद के असलहे का लाइसेंस धूमलगंज पुलिस ने निरस्त कर दिया है। पुलिस ने बताया कि पूर्व सांसद अतीक अहमद से जुड़े चकिया के गनी अहमद के खिलाफ शिकायत मिली थी। उसके असलहे का लाइसेंस निरस्त करने के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। इससे पूर्व अतीक अहमद समेत दर्जनों अपराधियों के असलहों का लाइसेंस निरस्त करके पुलिस जब्त कर चुकी है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।